हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा, कई बच्चों की प्रॉब्लम्स है आफ्टर टेंथ की, जो एग्ज़ाम बच्चे दे चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, टर्म वन का रिजल्ट आ चुका है, टर्म टू का आना बाकी है, ठीक है, फाइनली आना बाकी है। तो उनके अब दिमाग में आ रहा है कि हमने इलेवंथ में जाना है और इलेवंथ में हम सब्जेक्ट कौन सा लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, इन चीज़ों में बच्चे परेशान हैं। तो यही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए आई हूँ। कई बच्चों की डिमांड थी कि मैम प्लीज़ हमें गाइड करो ताकि हम सब्जेक्ट चूज़ कर सकें। तो बेटा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। अभी तक टेंथ तक जो होना था हो गया, लेकिन अब जो इलेवंथ है ना, अगर आपने यहाँ गलती कर ली तो आगे फिर ये गलती सुधर नहीं पाएगी। इसलिए इलेवंथ में अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हो ना, तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, पहले बहुत अच्छे से सोचो। अभी आपके पास पूरा जून पड़ा हुआ है, आप जुलाई में एडमिशन लो। क्यों? क्योंकि अब तो जो है समर वेकेशंस आने वाली है, अभी आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, आराम से पूरा महीना है। आप अपने बड़े भाई बहन से देख पूछो, आप अपने भाई बहन के फ्रेंड्स से पूछो जो इस एज, मतलब एज से निकल चुके हैं, इस लाइन से निकल चुके हैं, अपने पेरेंट्स की सलाह लो। हाँ, लेकिन सुनना अपनी पहले, सलाह सबकी लो कि कौन सा सब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, कौन से कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस में क्या क्या होते हैं, आर्ट्स में क्या क्या होते हैं, लेकिन सुनना अपनी वाली, अपनी वाली कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है, ठीक है। अगर मान लो आपके पेरेंट्स, ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या आप मुझे बताना चाहते हो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि बच्चों के ऊपर प्लीज़ प्रेशर ना डालें कि आपने यही स्ट्रीम लेनी है। कई पेरेंट्स होते चाहते हैं कि बच्चे नहीं साइंस स्ट्रीम में ही जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। IAS जो भी बनते हैं ना, सारे आर्ट्स स्ट्रीम से ही आके बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो है ही नहीं, आपकी जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट में साइंस में है ही नहीं, आपकी मैथ्स में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो लेके फिर आगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो सबसे पहले एक तो पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर ना डालें, और बच्चे जो है सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या मैनेजमेंट देखना है, या CEO बनना है। उस गोल को डिसाइड करने के बाद, या फिर NDA करना है, JEE करना है, ठीक है, NEET करना है, मतलब जो भी आपको गोल डिसाइड करना है, पहले आप गोल डिसाइड करो। अब गोल डिसाइड करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपको CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, CEO बनना है किसी कंपनी का, ठीक है, तो बिजनेस करना है आपने अपना, तो आपने सिंपली क्या ले लेना है, कॉमर्स लेना है, ठीक है। उसमें चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, आपने यही करना है, तो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर ज़बरदस्ती के थोपने से आप सब्जेक्ट लोगे, तो वो सब्जेक्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपका फ्यूचर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने, अब आपने बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपने क्या लेना है, कॉमर्स लेना है, ठीक है। कई ये होता है ना कि नहीं, हमारे 90 से ऊपर परसेंट आए, हमने साइंस लेना है, 90 से नीचे आए कॉमर्स लेना है, और 70 आए 60 आए तो हम आर्ट्स में चले जाएंगे। आर्ट्स बेकार सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आर्ट्स, ठीक है। तो ये नहीं कि आप सोचना कि नहीं आर्ट्स लेके कोई स्ट्रीम ही नहीं है, आर्ट्स से बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। आपने अगर साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, बहुत सारी लाइनें होती है, वो मेडिकल नॉन मेडिकल लो, ठीक है। इंजीनियर बनना है, NDA करनी है, तो मेडिकल नॉन मेडिकल लो, JEE NEET करनी है, ठीक है। लेकिन आपने बिजनेस की लाइन में जाना है, ठीक है, CA बनना है, तो आप क्या लोगे, कॉमर्स लोगे। और अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की आपने तैयारी करना है, IAS PCS की तैयारी करनी है, तो आप आर्ट्स लो, क्योंकि आर्ट्स में आपकी डिग्रियां नहीं देखी जाएगी। आप जब इस एग्ज़ाम को देने जाओगे तो वहाँ डिग्रियां नहीं देखी जाएगी, ठीक है, वो अलग बात है, एज ए फॉर्मेलिटी लगती है, लेकिन वहाँ आपकी जो है नॉलेज देखी जाएगी। उसके लिए आपको करंट अफेयर और GK से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आर्ट्स लेके बेकार सब्जेक्ट है या आर्ट्स बेकार है, नहीं, आर्ट्स की भी बहुत अच्छी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं आपको चूज़ करने के लिए, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया, फर्स्ट आप अपना गोल डिसाइड कर लो कि आपने बनना क्या है, उसको बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उस सब्जेक्ट में देखो आपका इंटरेस्ट है,
आपने डॉक्टर बनना है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो हमने नीट करनी है, हम नीट में आपको क्या है बायो ज़रूरी है और आपको बायो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, या तो फिर उसमें इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा मेरी लास्ट सजेशन यही आपको रहेगी कि आप क्या करो, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, क्या आपका गोल है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को देखना है कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, बायो में क्या है, मतलब मेडिकल में क्या है, नॉन मेडिकल में कौन से सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करो, और बहुत ध्यान से, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। अभी एक महीना है, एक महीना बहुत अपने बड़ों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने इस चक्कर में मत जाना कि मेरा फ्रेंड्स मेडिकल में जा रहा तो मैं भी मेडिकल में जाऊंगा, नहीं, मेरा बड़ा भाई जो है नॉन मेडिकल में था तो मैं भी नॉन मेडिकल में जाऊंगा, नहीं, आपने अपनी सुननी है, आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। ठीक है, जहां आपका इंटरेस्ट है आपने वही जाना है। आपने थ्री इडियट्स देखी ना, तो उसके जो थ्री इयर्स में जो फ्रेंड था उसका, उसको उसके पेरेंट्स जबरदस्ती कहते थे इंजीनियर बनना है, लेकिन वो क्या, उसको शौक किसका था, फोटोग्राफी का शौक था, है ना, किसने देखी थ्री इडियट, जल्दी से लाइक करो और कमेंट में बताओ। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद जब आप डिसाइड कर लेना ना, तो मुझे आपने क्या स्ट्रीम चूज़ की है, ठीक है, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमने मैम ये स्ट्रीम चूज़ की है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, और भी आपने काफ़ी कमेंट्स किए हुए हैं कि टर्म टू के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, टर्म वन के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो मैं जल्द ही आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लेके आऊँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।